ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा ने की। इस अवसर पर हमीरपुर में लोगों को आ रही समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई, तो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में सीनियर सिटीजन को पेश आ रही समस्याओं के साथ साथ ऑपरेशन के लिए कई कई दिनों तक इंतजार करने पर भी रोष व्यक्त किया गया और जल्द ही समस्या के हल निकालने के लिए जिला प्रशासन से मांग की गई। दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा ने की। इस अवसर पर हमीरपुर में लोगों को पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई, तो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में सीनियर सिटीजन को पेश आ रही समस्याओं के साथ ऑपरेशन के लिए कई कई दिनों तक इंतजार किए जाने पर जल्द जिला प्रशासन के पास समस्या रखने का प्रस्ताव डाला गया। साथ ही गत दिवस सूरत में हुए अग्निकांड से संज्ञान लेते हुए हमीरपुर के सभी कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था और आपातकाल से निपटने के लिए प्रशासन से संस्थानों की चेकिंग करने की मांग की गई। बैठक में संगठन ने सांसद अनुराग ठाकुर को रिकॉर्ड मतों से जीतने पर बधाई भी दी और पीएम मोदी से मांग की गई कि अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए। बैठक में आज जो हमीरपुर के सांसद हैं, हमने उनको बधाई प्रस्ताव पारित किया है और हमने केंद्र सरकार में आशा व्यक्त की है कि केंद्र सरकार में आने वाले समय में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जाएगी। जो हमीरपुर के लोग हैं उनको उम्मीद है इस बारे में, तो हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी इस बात की मांग करते हैं कि हमारे जो हमीरपुर के सांसद हैं उन्हें अपने मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। बैठक में शहर की सीवरेज व्यवस्था सुचारू ढंग से न होने पर चर्चा की गई, तो डुग्गा के पास निजी स्कूल और सरकारी स्कूल के बाहर सड़क पर स्पीड ब्रेकर बड़े बनाए गए हैं, जिसके कारण अक्सर वाहन चालकों को असुविधा हो रही है। इन समस्याओं पर बैठक में गहनता से चर्चा की गई और संबंधित विभाग ने पत्र लिखकर समस्या के हल करने के लिए गुहार लगाई। जो हमारे पास एक बड़ा गंभीर मामला आया है वो है सीवरेज की समस्या, जो कई स्थानों पर जो है वो सीवरेज किन्हीं प्रभावशाली लोगों द्वारा तोड़ दी गई है, उसके बारे में लिखित रूप से हमारे पास शिकायत आई है। दूसरा, हमारे पास एक शिकायत आई है कि जो बड़ू क्षेत्र है उसमें कुछ जो अभी तक सीवरेज शुरू नहीं हुई है और कुछ लोगों ने उस सीवरेज का जहाँ तक बनी है उसमें जो है वो कनेक्शन ले अनाधिकृत तौर पर जो है कनेक्शन ले लिया गया है, जो कि जिससे कि बीमारी फैलने का डर वहाँ पे हुआ है। तो हमने आईपीएच विभाग को इस बारे में लिखने का निर्णय लिया है ताकि जल्द से जल्द जो है वो एक्शन लें, क्योंकि अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं और कहीं इस तरह से प्रदूषण फैलता है तो उससे बीमारी का भी बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। हमीरपुर से लेकर मटनसी तक रोड है, वहाँ पे एसडी दुसड़का के पास एसडी पब्लिक स्कूल और एक दूसरा स्कूल जो है सरकारी स्कूल जो है वहाँ पे जो स्पीड ब्रेकर है वो बहुत ज़्यादा लगा दिए गए हैं और उससे अचानक लोगों जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो एकदम से ट्रैफिक रुकता है तो काफ़ी खतरा बना रहता है। तो हम चाहते हैं कि उसको जो है स्पीड ब्रेकर तो बने रहें, लेकिन स्पीड ब्रेकर कुछ इस तरह से बने ताकि लोगों को कोई खतरा महसूस ना हो और गाड़ी भी धीमी हो जाए। तो इस बारे में हम लोगों ने लोक निर्माण विभाग को लिखने का निर्णय लिया है। संगठन अध्यक्ष सुशील शर्मा ने बताया कि बैठक में मेडिकल कॉलेज में सीनियर सिटीजन को पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई, तो शहर में कई जगहों पर सीवरेज की समस्या की शिकायतों पर जल्द प्रशासन के पास जाकर समस्या हल करने की मांग की जाएगी। साथ ही बैठक में सूरत में हुए अग्निकांड के बाद हमीरपुर में भी कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा व्यवस्था की चेकिंग करने की मांग की गई। दी हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन की जो आज बैठक हुई इसमें बहुत से मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा था हमीरपुर में जो मेडिकल कॉलेज है, राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज जो है उसमें जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श किया गया, जिसमें कि बहुत सी समस्याएं थी। एक तो ऑपरेशन थिएटर के बारे में भी उनके जो हमारे पास सामने समस्या आई। उसके बाद जो है वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता नहीं दी जाती है जब देखते हैं, तो क्योंकि ये पीछे से ही सरकार के आदेश हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को हर जगह प्राथमिकता दी जाए,
तो इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं और प्रिंसिपल जो हैं इस मेडिकल कॉलेज के, तो उनसे ये मामला उठाया जाए कि वरिष्ठ नागरिकों को जब वो किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो वरीयता दी जाए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए। इसके साथ ही गुजरात में हुए भयंकर अग्निकांड में जहाँ 16 से अधिक छात्र जो हैं अपनी जान गंवा बैठे हैं, इससे हमने एक संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से मांग की है कि हमीरपुर या हमीरपुर के साथ लगते जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, स्कूल हैं, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको जांच अपने स्तर पर की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना ना सामने आए। क्योंकि हमीरपुर में भी देखा गया है कि कई संस्थानों में इस तरह की सुरक्षा पैमाने पर वो खड़े नहीं उतरते हैं, तो जांच की जाए और उनमें देखा जाए कि अगर इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है तो कैसे जो है प्रशासन तैयार है, या संस्थान, सबसे पहले तो संस्थान की जिम्मेदारी बनती है कि वो किस प्रकार से इस घटनाक्रम से निपट सकता है, तो इस बारे में पहले ही जो है गाइडलाइंस जारी करें। मेडिकल कॉलेज में सीनियर सिटीजनों को पेश आ रही समस्याओं पर जीसी शर्मा और मनसुख पठानिया का कहना है कि अस्पताल में सीनियर सिटीजनों को कोई सुविधा नहीं है और पर्ची काउंटर से लेकर इलाज करवाने के लिए दिक्कतें पेश आती हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों को ऑपरेशन करवाने के लिए 6-6 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसा है, हॉस्पिटल में अब जब से मेडिकल कॉलेज बना है तो पेशेंट्स की तादाद बहुत बढ़ गई है और उसके बढ़ने से पर्ची बनाने में भी दिक्कत होती है, दवाइयाँ लेने में भी दिक्कत होती है, डॉक्टर के पास जाने में भी दिक्कत होती है। तो चाहिए तो ये है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो उनको प्रायोरिटी पर देखा जाए, लेकिन वहाँ सिस्टम ये है कि टोकन नंबर के हिसाब से आवाज़ पड़ती है इतने तक आ जाओ इतने तक आ जाओ, तो अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसका टोकन नंबर लेट है तो वो सारा दिन बैठा रहे, तो उनको कोई प्राथमिकता का कोई सोचा जाना चाहिए। कुछ साल पहले भी ये मुद्दा उठा था तो उस वक्त हाथ से पर्चियाँ बनती थी, तो पीले रंग की पर्चियाँ इंट्रोड्यूस की गई ताकि डॉक्टर साहबान को वो देखने में आसानी हो और वो बुला लें। अपना हॉस्पिटल बनाया है ना, इसके अंदर जो आज जितनी सुविधाएं चाहिए थी वो सुविधा है नहीं, ना तो ऑपरेशन की कोई सुविधा है, ना तो क्या बोलते हैं उसको एक्सरे की कोई सुविधा है। ये चीज़ें जो बड़ी ज़रूरी हैं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ जितने भी पैथोलॉजी हैं वो अपने अपनी मर्जी से पैसे लेते हैं, या तो इनका फिक्स रेट कर दिया जाए या गवर्नमेंट को खुद अपना खोला जाए ताकि लोग अपना जो है वो टेस्ट वगैरह जो है वो सही ढंग से करा सकें। और इनका तो एक का कोई अलग भाव है, दूसरे का कोई अलग भाव है, तीसरे का कोई अलग भाव है, जिनके जितने भी वहाँ पर बैठे हैं उन सब का अलग अलग भाव है। इससे गरीब लोगों को बड़ी परेशानी होती है।